अब मौसूफ मिर्ज़ा जेलमी, उनसे सवाल हुआ एक बंदे ने पूछा कि आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर नसास हुआ व उमर हितान हुआ व उस्मान सक्फ हुआ व अली बाब हुआ। तो मौसूफ ने कहा ये हदीस तो बिल्कुल घड़ी हुई हदीस, दुनिया कायनात की किसी हदीस की किताब में नहीं आया, ये तो मौलाना और मौलवियों ने गाड़ ली हदीस से, तो इसका वो कहते हैं ज़ईफ हदीस भी कोई नहीं है, ये लिखा ही कहीं नहीं है। भी अहमद नक्शबंदी साहब को सुना है, मार्केट में नए नए आए हैं, ठीक है, मशहूर होने के लिए तरीका वारदात इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल बरेलवी देवबंदी वाले हदीस में मशहूर होना हो तो वो एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका क्या होता है कि रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वो तस्वीर साथ लगा देते हैं और साथ कहते हैं जो कभी गलत वर्ड्स भी लिखे होते हैं, और ये लोग मिर्ज़ा जहलमी को जवाब, मिर्ज़ा जहलमी को जवाब, इन लोगों की जुबान यार अली भाई ने जब इनका रिप्लाई करते हैं बड़े सुकून से प्यार से इनके नाम लेते हैं, इज्जत से हिफ्ज़ुल्लाह ताला साथ लगाते हैं, ठीक है। तो मसूफ ने ना अली भाई ने एक जगह बयान किया है कि ये हदीस किसी भी किताब में, हदीस की किताब में नहीं लिखी, किसी भी दुनिया की हदीस की किताबों में नहीं लिखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसका उसकी बुनियाद है, उमर रज़ी अल्लाह उसकी छत है, उस्मान रज़ी अल्लाह उसकी दीवार है, और अली रज़ी अल्लाह तआला उसका दरवाज़ा है। ये दुनिया की किसी देश की किताब में लिखी। मसूफ ने ये बात सुनी, मसूफ ने अपने बाबा की किताबें पढ़ी हुई थी, तो बाबा की किताबों में इस तरह की वो लिखी होती है बातें जिनकी कोई सनद नहीं होती, उनकी सनद यही होती है कि बुज़ुर्ग ने फरमाया, और जब बुज़ुर्ग फरमाते हैं तो इन जैसे लोगों के लिए वो हदीस बन जाती है। नाउज़ बिल्लाह बिन ज़ालिक, इन लोगों को ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की पहली छः हदीस हैं कि जिनका एक ही बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मेरे ऊपर झूठ बोलना ऐसा नहीं है जैसा किसी आम शख्स के बारे में झूठ बोला जाता है, जिसने मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। अब इस मसूफ ने वो अपने बुज़ुर्गों की किताबें खोल खोल के ना उनमें से बयान कर रहा है और अरबी साथ पढ़ रहा है, कहते हैं जो आम समझने वाला है ना, जो आम बंदे हैं इनके फॉलोअर्स, वो समझे भी यार अरबी पढ़ी है तो अरबी में हदीस हो गई है, अरबी बोल दी है बस हदीस हो गई। ओ भाई ये बाबा के कोल है, अगर तो ये हदीस है तो इसको बोलो इसकी सनद पेश करे, ये क़यामत तक इसकी सनद पेश नहीं कर सकता, आप ये अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। और इसकी वीडियो के स्टार्ट में इसने एक हदीस बोली है, वो मैं वीडियो जो है ना इसकी हदीस एंड पे लगाता हूँ और मैं साबित करूँगा वो हदीस इसके अपने ऊपर ही फिट होती है। बहुत अच्छा इंसान है, अपने ऊपर खुद ही हदीस फिट करा रहा है, और पता उस हदीस को भी ये नंबर नहीं बताया इसने कि कहाँ लिखी है कहाँ नहीं, चलो खैर। और इसने दूसरा एतराज़ ये किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया मुबारक जो था वो बहुत सारी हदीस की किताबों में इमाम बुखारी के उस्ताज़ा ने लिखे हैं, ये वो इसने कुछ किताबें खोल के दिखाई हैं जो इन्हीं के मुल्ला कारी वगैरह ने उसकी शरह लिखी हुई है, मतलब इसके बुज़ुर्गों ने लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया का जिक्र हदीस की किताब में मौजूद है, कुतुब सित्ता की मुसनद अहमद हदीस नंबर 11466 11466 इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक मुसनद अहमद में आप जाकर लिखें 11466 हदीस खोल के सामने आ जाएगी। सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ हज किया, हज से हज किया और जब आप वापस आ रहे थे तो सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला का सवारी बैठ गई, वो उठ नहीं थी रही, तो आप उठ नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके सफ़िया को चुप कराया क्योंकि वो रोना शुरू हो गई थी, तो वो चुप नहीं थी हो रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा और वहीं पर आपने खैमे लगा लिए, हालाँकि आपका वो इरादा नहीं था ऐसा। जब उन्होंने वो खैमे लगा लिए तो उस दिन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला की बारी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने की, तो हज़रत सफ़िया ने माशा को अपनी बारी दे दी और फरमाया कि मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह करवा दो, मैं इसलिए मैं बारी देती हूँ। खैर इस तरह करते शाम होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया कि तुम्हारे पास ज़्यादा सवारियाँ, एक सवारी सफ़िया को दे दो। तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने आगे से कोई बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ हो गए और कई महीने नहीं आप उनसे बोले। तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला एक दिन अपने खैमे में थी तो आपके खैमे के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया पड़ा, ठीक है, ये हदीस के वर्ड्स हैं बीच में लिखा है, उन्होंने देखा कि ये तो साया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे साथ नाराज़ हैं, मुझे तो मिलने नहीं आते, ये कैसे आपका साया। इतने में ही वो साया करीब आता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में अंदर दाखिल हो गए, ठीक है। तो आपने आगे फरमाया कि आपको देख के मैं इतनी खुश होगी कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, तो भाई हदीस की किताब में अल्फाज मौजूद हैं, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों गुमराह करते हो लोगों को, आपको नहीं पता कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1 से लेकर 6 तक सही मुस्लिम में मौजूद है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। यार तुम लोगों को हदीस और बाबा जी के कोल में फ़र्क नहीं पता,
हदीस में तो सनद होती है बकायदा, ठीक है, कि फलाने रावी ने फलाने से, फलाने ने फलाने से, और फलाने ने फलाने से, और वो चैन जाके मिलती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने जो अपने बुजुर्गों की किताबों से खुल खुल के दिखाया क्या इनकी सनद पेश कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप यही बोलोगे कि मुल्ला अली गारी ने फरमाया, बारे फलाने बुजुर्ग ने फरमाया। तो यार जो तुमने शुरू में हदीस बोली है ना अहमद नक्शबंदी साहब, ये जो आपने शुरू में हदीस बोली ये आपके ऊपर लगती है, क्योंकि आप अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हो। उनके सादा सी आवाम आपकी, उनको जान बूझ के अरबी में पढ़ के सुना रहे हो कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाज़ा है, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी दीवारें हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु छत हैं, और अबू बकर सदीक उसकी बुनियाद है। ये किताब किसी हदीस की किताब में नहीं ये लिखी, ठीक है। तो अगर लिखी है आप सनद पेश करें, हम तौबा करके रजू करते हैं, नहीं तो आप तौबा करके रजू करें। मार्केट में मशहूर होने के लिए झूठ का सहारा लेना बहुत आसान है, और सबसे आसान तरीका है ये जो फिरका वारियत में पढ़ के छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं ना आपकी तरह के, जो नए नए मदरसे से फ्री होते हैं, तो वो फिर बेरोज़गारी के शिकार हैं आजकल, तो वो फिर अली भाई को टारगेट करते हैं मशहूर होने के लिए। तो भाई अभी उनके स्टूडेंट भी थोड़े थोड़े एजुकेटेड हो गए, हमें भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ुर्ब क़यामत ऐसा वक्त आएगा, फ़अदल्लू वादिल्लू, सरकार फरमाया खुद तो गुमराह होंगे, अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को भी सरकार ने फरमाया वो गुमराह कर दे। जो हदीस मसूफ ने शुरू में बयान की थी ये बिल्कुल इमिनोवानी इनके ऊपर लफज बलफज लगती है। अभी मैं ये मैसेज इन तक पहुँचाऊँगा, तो देखते हैं अभी आपको ये मसूफ अगला रिकॉर्ड कराते हैं। यार तो पहले हम अली भाई के स्टूडेंट तक तो जवाब दे ले, फिर तो अली भाई तक भी पहुंच नहीं, पहले हमें जवाब दे। अगर मैं गलत हूं तो ठीक है मैं रजू करूंगा, फिर अगर नहीं तो तुम रजू करो और छोड़ो यार, कोई और तरीका ढूंढो। वैसे ही तुम मदरसे से फारग हुए हुए, तुम्हारा जहन फिरका वारियत में डूबा हुआ है, और हर तरह की जो गलत अकायद हैं तेरे जहन में भरे हुए हैं उनको निकाल, फिरका वारियत की लानत से बाहर निकलो, तो इसकी किताबें पढ़ो तुम्हें कुछ पता चले।